नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है राजपुर से, जहां पर ट्रक में 600 बोरी यूरिया पकड़ा है। वहीं ग्राम नरावला तहसील राजपुर जिला बड़वानी कृषि विभाग बड़वानी द्वारा भारतीय किसान संघ की सूचना पर कार्रवाई की जा रही है। राजपुर थाने पर लाया जा रहा ट्रक। सर, एक खाद का मामला आया है। जी, क्या मामला सर? आज सूचना प्राप्त हुई हमें कि एक ट्रक जो खाद से भरा हुआ, यूरिया खाद से भरा हुआ, यहाँ पे नड़ावला के पास फंसा हुआ है। तो हमने जाके वहाँ पे देखा कि उसमें 600 बोरी के लगभग खाद भरा पड़ा था, और ड्राइवर से बात करी तो उन्होंने कोई कागज़ वागज दिखाया नहीं, तो उसकी जब्ती करके हम थाने में लाए, उसकी विवेचना करवा रहे हैं हम यहाँ पे थाने में। सर, कोई कागज़ नहीं? कागज अभी उन्होंने कुछ हमको उपलब्ध करवाए नहीं थे, तो हम उनका पंचनामा बनवा के और ड्राइवर के जो कथन ले गए कि कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है और किसके मार्फत ही मंगाया गया है। क्या नाम भैया? मनसाराम पंचोले, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष बड़वानी। एक खाद का मामला है। खाद का मामला सवेरे से ही मेरे संज्ञान में आया था और मेरे ही द्वारा एजेंट साहब को सूचना दी गई। उसके बाद में बड़वानी जिले में भी सूचना कर दी, पर बाकी DDA साहब ने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। उसके बाद में एजेंट साहब को मैंने बताया, उसके बाद कार्रवाई हुई। तो अभी तक तो सामने वाला जो जिनका खाद है वो बिल सबमिट नहीं कर पाया, तो मेरा तो मानना है कि वो नकली खाद जो किसानों को नकली खाद बेच रहा है, वो जिसका भी है वो नकली खाद बेच रहा है, क्योंकि बिल नहीं सबमिट कर पाया तो नकली खाद वो। और अभी तो लॉकडाउन की मार, कोरोना की मार सारे झेलते झेलते, बारिश समय पर ना होना, सारी चीज़ें झेलते झेलते आप नकली खाद की मार पड़ने वाली थी किसानों को। तो एंड वक्त तो मेरे किसानों का फ़ोन आया और मेरे को सूचना मिली, तो मैंने सूचना देने के बाद आज कृषि विभाग के द्वारा भी कार्रवाई की है और अभी गाड़ी खींच के ला रहे बस, क्योंकि वो नकली खाद है। कितना बोरी होगा? 600 बोरी बता रहे। कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? मैंने ड्राइवर से चर्चा करी तो मानसपुर से कोई गाड़ी से क्रॉसिंग करके पलसुद की ओर जा रहा था वो। किसका था खाद ये? खाद वाले का नाम अब क्लियर नहीं बता रहे लोग, क्या कोई जसवाल है ऐसा कोई बता रही है। राजपुर से शकील मंसूर के साथ संजय बावनिया की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।